दोस्तों, श्रीलंका में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। पहला डेस्टिनेशन है कैंडी। देखिए, मैं कोलंबो का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कोलंबो ठीक है, वो वहाँ का मेन सिटी है श्रीलंका का, पर वो कोई वर्ल्ड हेरिटेज सिटी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है देखने के लिए। ठीक है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पार्क्स है घूमने फिरने के लिए, बट क्या उसके बाहर जो मेन जो ब्यूटी है वो है। और उनमें से एक डेस्टिनेशन है कैंडी, जिसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि जैसे आप कोलंबो पहुँचते हो और वहाँ आप घूमने फिरने निकलते हो, तो ऑटोज़ में जैसे आप बैठते हो तो ऑटो का कोई मीटर नहीं है। ऑटो वाले जैसे बोलते हैं वो चार्ज में आपको जाना पड़ता है। तो चार्ज का आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कितना क्या भाड़ा होगा यहाँ से एक डेस्टिनेशन से दूसरे ए से बी तक जाने का? तो आप वहाँ क्या है, लोकल आदमी से पहले सब समझ के रखिए कि भाई यहाँ से यहाँ कितना भाड़ा है। और जब ऑटो वाले से आप जब भाड़ा भी फाइनलाइज़ कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो, तो ये भी ज़रूर फाइनलाइज़ करेगा और ये भी ज़रूर बोलेगा उनको कि आप कोई भी रूट से ले जाए, चाहे लंबा रूट से ले जाए या कोई शॉर्टर रूट से ले जाए, मैं तो इतना ही भाड़ा दूंगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप दाम तो फिक्स कर लिए, पर जब ऑटो वाला आपको ड्रॉप करता है, वो बोलता है कि भाई मुझे भाड़ा बेसी दीजिए। तो आप पूछते हो क्यों? वो बोलता है कि भाई तुम्हें भाई लंबा रूट से लाया हूँ तो भाड़ा बेसी लगेगा। तो पहले से आप उनको बोल दीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो भी रूट से जाए हम, मैं तो इतना ही भाड़ा दूंगा। क्या होता है ना कि आप वहाँ पहुँचे हो श्रीलंका में और शुरू शुरू में ऐसा कोई चीज़ हो जाती है जो आपको दिल में लगता है या ख़राब लगता है, तो ट्रिप का वो आनंद जो है वो उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। तो पहले से अगर अपने पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो अपने को कोई असुविधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि कोलंबो से कांडी जब आप जाओगे और जिस रास्ते से आप जाओगे, उस रास्ते को बनाने में 16 साल लग गए। 16 साल, मतलब उस ज़माने में इतना समय लगता था कोई चीज़ काम कंप्लीट होने में, अनबिलीवेबल। एनीवे, अब तो 2019-20 में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है कोलंबो टू कांडी, तो अब तो आप उस समय जाओगे तो बहुत जल्दी पहुँचोगे, पता नहीं लगेगा कि कब आप कांडी पहुँच गए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जनरली श्रीलंका का रेलवे नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है, ऐसे आप कहीं बहुत जगह रेल से भी जा सकते हो या रोड से भी जा सकते हो। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे आप रोड से जा रहे होते हो और गाड़ी में हो, आपका प्राइवेट गाड़ी में आप जा रहे हो, तो क्या है ना, ड्राइवर को बेसिक प्रेशर मत दीजिएगा ओवरटेक करने का। क्योंकि श्रीलंका में क्या है, ओवरटेकिंग का सिस्टम नहीं है, स्पेशली हाईवेज़ में। वहाँ क्या, अगर ओवरटेक करते हुए पकड़े गए तो काफ़ी हैवी फाइन है, और हर 2-3 किलोमीटर में कोई ना पुलिस खड़ा रहता है चेक करने के लिए कि कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। तो अगर सामने वाली गाड़ी स्लो भी चल रही है तो थोड़ा देर पीछे चलते रहेगा, वैसे भी इतना बढ़िया सीनिक ब्यूटी दोनों तरफ, उसको एंजॉय करते हुए चलिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। जब आप कैंडी के लिए कोलंबो से निकलते हो तो रास्ते में आता है हेनरिट गोरा बोटानिक गार्डन्स। यहाँ का ख़ास बात यह है कि यहाँ एक्चुअली फर्स्ट रबर ट्री जो श्रीलंका में उगाया गया था वो था यहाँ से, और यहाँ 1876 को एक्चुअली ब्राज़ील से लाया गया था रबर ट्री। और यहाँ बेसिकली 30 किलोमीटर ही कोलंबो से दूर, तो बेसी दूर भी नहीं है और रास्ते में ही आता है, तो यहाँ ज़रूर समय बिताएगा। 400 तरह के प्लांट स्पीशीज यहाँ उगाए हुए। फिर है पेनेविला एलिफेंट ऑर्फनेज, ये काफ़ी फेमस है वहाँ का, और करीबन 2-2.5 घंटे में आप पहुँचते हो यहाँ। और यहाँ का ख़ास बात यह है कि आप एलिफेंट को बाकायदा नहाते हुए और खाते हुए देख सकते हैं। और यहाँ का टाइमिंग्स है, यहाँ बेसिकली 8:30 बजे एक बार उनको खिलाया जाता है और फिर 1:30 बजे, और उनको नहलाया जाता है 9 बजे और फिर 2 बजे। तो ये दोनों समय आप उनका कार्यक्रम देख सकते हैं, ज़रूर जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। श्रीलंका में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि वहाँ जितने भी एंट्रेंस टिकट्स है तो ऑल द साइट्स, वहाँ लोकल्स और फॉरनर्स के टिकट्स प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ बहुत बार ख़राब भी लगता है कि भाई इतना हाई डिफरेंस, इतना बेसी डिफरेंस। ये सब जो जगह यूनेस्को हेरिटेज साइट्स यहाँ कितने देखने को मिल रहे, एक छोटा सा कंट्री में, छोटा सा एरिया में इतना कुछ देखने को मिल रहा है, तो इट इज़ वर्थ इट। देखिए, जब आप कैंडी पहुँचोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ का जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा वाइब्रेशन उस जगह का। और वहाँ का मेन अट्रैक्शन है टेम्पल ऑफ सीक्रेट तो ट्रेलिक। बेसिकली यहाँ गौतम बुद्ध का दांत प्रिजर्व है, और एक गोल्डन कास्केट में जो एकदम स्तूपा के शेप में बना हुआ है उसमें प्रिजर्व रहता है। देखिए, आप दांत को तो डायरेक्टली देख नहीं पाते हो, पर दिन में 2 बार ये दांत को वॉश किया जाता है हर्बल प्रॉपर्टी जैसा पानी में, और फिर वो ऐसा प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। तो उस समय हो तो प्रसाद का सेवन कर सकते हैं, और बोलते हैं कि प्रसाद पीने से उसका शरीर के लिए काफ़ी वो फ़ायदा होता है। तो इसके अलावा भी आपके टेंपल के चारों तरफ इतना बढ़िया गार्डन्स है, इतना कुछ ठहरने के लिए काफ़ी जगह बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम शांति लगता है, बहुत ही सही है। इनफैक्ट
वो टेम्पल में भी आप समय बताओगे ना आपको बहुत बढ़िया लगेगा, तो घंटों आप बिता सकते हो, बहुत ही सही जगह है। आप चाहो तो गाइड्स भी यूज़ कर सकते हो और गाइड्स के चार्जेस है करीबन 400 से 500 रुपये, और यहाँ आप टिकट ऑफिस से ऑडियो गाइड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो तो वो भी आप ले सकते हो, दोनों का सुविधा है आपके पास। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर जनरली आप पॉसिबल हो तो गाइड्स यूज़ करना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्या होता है ना कि जब आप चीज़ देख रहे होते हो सामने तो उससे आप रिलेट कर पाते हो, और रिलेट करने से उस जगह का उस चीज़ का सिग्निफिकेंस और अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो सके तो गाइड ज़रूर यूज़ करिएगा। कि मेन टेम्पल के अलावा वहाँ और भी अगल बगल कहीं बिल्डिंग्स है वो सब भी देखने लायक है। कुछ बिल्डिंग्स में जैसे एक बिल्डिंग में है कई तरह के स्टैचूज बुद्ध के और भी है, जो कई जो बाहर से आए वो लोग डोनेट किए हैं या गिफ्ट किए हैं मतलब, तो ये भी आप देख सकते हो। फिर इसके अलावा एक जगह आपका म्यूज़ियम है जहाँ आपके बेसिकली गिफ्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड से जो लाए गए मेन पीपल जो बहुत ही फेमस पीपल उनकी तरफ से जो गिफ्ट्स लाए वो सब डिस्प्लेड है, वो सब देख सकते हो। तो इन कई मतलब इनके अगल बगल जो बिल्डिंग्स है वो सब आप जरूर जाएगा, आराम से स्पेंड करेगा, काफ़ी समय लेके जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या आप बुद्धा पब्लिकेशन सोसाइटी जा सकते हो तो करीबन 400 मीटर दूर है टेम्पल ऑफ तुत रेलिक से, तो यहाँ भी आप जा सकते हो। यहाँ क्या है ना कि आपको मटेरियल मिल जाएगा बुद्धिज़्म के बारे में, जो टीचिंग्स है उनके बुक्स आप ले सकते हैं। अच्छा आपको कोई मेडिटेशन कोर्स करना हो तो वहाँ भी आपको पूरी जानकारी वो दे देंगे कि कैसे आप वो कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए आप टेंपल में तो बैठोगे, वहाँ कुछ समय दीजिएगा तब बैठेगा और एहसास करेगा एनवायरनमेंट को, और वहाँ अगर टीचिंग्स हो रहे हो तो उनको भी सुनेगा। देखिए गौतम बुद्ध के अगर बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध का उनको क्यों इतने पॉपुलर हुए, क्या उनका खास बात था। खास बात ये था कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की अपने मेडिटेशन से, वो पूरा दुनिया को बांटे, वो जो समझे जो एहसास के जो जो बेसिकली जो खुशी उन्होंने महसूस की, और जो इतना कुछ दुनिया के बारे में अपने बारे में हर चीज़ के बारे में वो चाहे वो दुनिया के साथ बांटना शुरू किए। और उनका कहना हमेशा ये था कि आप खुद जानो, मैं बोलूँगा तो ठीक है आपको समझ में आएगा आप समझोगे, पर आप जब खुद एहसास करोगे तब आप जान लोगे ये क्या चीज़ है। तो ये उनका हमेशा कहना था कि आप खुद जानो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका है जानने का, इस तरह से आप जाओगे तो आप खुद जान लोगे, और जब आप जानोगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि वाह मैं इस धरती में आया, मैंने कुछ प्राप्त किया, मेरा ये लाइफ एकदम सक्सेसफुल रहा, मज़ा आ जाएगा। तो यही उनका हमेशा था। तो ये सब जगह जाके क्या होता है ना कि जैसे वहाँ मंदिर में भी बैठते हो, टेम्पल में बैठते हो, कोई मॉन्स्टर में बैठते हो, तो वहाँ अगर आप सुनते हो तो उसमें से अगर कोई भी बात आपको लग जाए और वो बात आप अपना लाइफ में उसका अंदर आप समाए और उसको उतारे अपने अपना लाइफस्टाइल में अपने दिनचर्या में, तो वो सही होगा। उसमें से कोई भी चीज़ आप धीरे धीरे उतारिए तब आपको मज़ा लगेगा कि हाँ यहाँ सही जाना था, यहाँ जाके मेरा लाइफ सुधरा, कुछ फ़ायदा हुआ इस जगह जाके। फिर नेशनल म्यूज़ियम, यहाँ देख के आपको अलग से चार्ज देना होगा, और यहाँ बेसिकली कुछ आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड है और आर्किटेक्चर ऑफ श्रीलंकन और वो सब के बारे में है, उनके कल्चर के बारे में है, तो आप जा सकते हो। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर आपको म्यूज़ियम में जाना हो, म्यूज़ियम में जाके वहाँ चीज़ों को देखना हो तब आप यहाँ जा सकते हैं। बाकी शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं, एंटिक ज्वेलरी खरीद सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी, फिर बाटिक प्रिंट्स खरीद सकते हैं, काफ़ी कुछ है शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी रीजनेबल भी है यहाँ श्रीलंका का शॉपिंग, तो वो आप ज़रूर करिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि बिसी आफ्टर डार्क मतलब बिसी रात में आप अकेले वो कोई या कोई बहुत सुनसान जगह मत जाइए, ये बस ध्यान में रखिएगा। बाकी ऐसे काफ़ी सेफ है श्रीलंका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैंडी वन ऑफ द मेन डेस्टिनेशंस मैंने कवर किया इस वीडियो में, इसके अलावा भी कितने और डेस्टिनेशंस हैं श्रीलंका में घूमने लायक, उन सब के बारे में मैं और आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।